हम अब सीखने जा रहे हैं, ये सेकंड सीरीज है स्टैटिस्टिक की, हाउ टू ड्रॉ द हिस्टोग्राम। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इस पर हम आपको हिस्टोग्राम ड्रॉ करना सिखाएंगे। इसमें आप देखिए, पहले लिखा है लाइफ टाइम इन आवर्स, और 400 नियॉन लैम्प्स की लाइफ टाइम है, और नंबर ऑफ लैम्प्स दिए हुए हैं। अब हमको उनका हिस्टोग्राम बनाना है। हिस्टोग्राम में आप देखिएगा, खास बात क्या होती है कि जब भी आपको ये डेटा दिया होगा, ये आपका ज़्यादातर ग्रुप करके दिया होता है। तो चलिए अब इसको हम बनाना शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले इसी तरीके से एक्स एक्सिस पर लाइन खींचेंगे। देखिए ग्राफ, हम एक्स एक्सिस पर लाइन खींच रहे हैं, मैं पेन से बना रही हूँ। सबसे पहले आप एक्स एक्सिस पर लाइन खींचिए, एक्स एक्सिस पर हम लाइन खींच रहे हैं। इसके बाद वाई एक्सिस का लाइन खींच लीजिए, वर्टिकल लाइन है, ठीक। आप ये देखिए, आपका ये जो लाइफ इन आवर्स है, ये वाला 300 से 400, 400 से 500, तो ये 300 से स्टार्ट है और 100 का डिफरेंस है। अगर ये ज़ीरो से शुरू होता है तो हम ज़ीरो से शुरू करते हैं, लेकिन ये 300 से स्टार्ट है, तो हम कहाँ से शुरू करेंगे? 300 से, और जाएगा कहाँ तक? 1000 तक। तो ये 300 से स्टार्ट है, तो मैं यहाँ पे ऐसे थोड़ी करली बना लूँगी ऐसे करके, और पहला लिखूँगी ये 300, फिर 400, फिर ये 500, फिर 600, फिर ये 700, फिर 800, 900, और ये 1000, इसके आगे 1100, ऐसे करके ये बनेगा। इसके बाद वाई एक्सिस में आपको थोड़ा सा अपना सोचना पड़ेगा, अपने डेटा के हिसाब से। अगर आप डेटा देखते हो तो ये 14 से देखिए शुरू हो रहा है, और इसका हाईएस्ट जा रहा है 86 पर। तो हम ऐसा करते हैं, 10-10 का इंटरवल ले लेते हैं, आसानी से बन जाएगा। तो अब देखिए, यहाँ वाई एक्सिस पर जो हम लेटर हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, और ये 80, ठीक है। तो इस तरीके से आपका देखिए बार ग्राफ का एक्सेस रेडी हो गया है। अब पहला आपका जो टर्म है, आप यहाँ क्वेश्चन में देखिए, 300 से 400, और डेटा दिया है 14। 300 से 400 और डेटा दिया है 14, तो 300 से 400 डेटा है 14, तो 10 के ऊपर हुआ ये, यहाँ पर आपका डेटा आ गया 15 के नीचे। तो आपने ऐसे स्केल से लाइन खींचे, 300 से स्टार्ट करिए, 400 तक जाइए, और ये आपके ये 14 वाले पर लाइन खींच गए, ठीक। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्या है, 400 से 500, और वो भी 56 तक डेटा जा रहा है। 56 आपका आ रहा है, ये देखिए, ये 50 है, ये सामने 50 के, और 56 यानी ये 55 हो गया, और 56, तो ये जो आपकी लाइन है। अब यहाँ पे बार ग्राफ में तो जगह छोड़ते हैं, लेकिन हिस्टोग्राम में हम जगह नहीं छोड़ते, एकदम वहीं से सटा के लाइन जाती है 400 से 500। तो ये थोड़ा सा अंतर है बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में, ये आपका यहाँ तक आएगा, ठीक है। ऊपर की लाइन आप मिटा दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका 60 है, तो ये आपका 60 तक चला गया। नेक्स्ट लाइन आपका ये 60 तक चला गया डेटा। इसके बाद आपका नेक्स्ट देखिए 86 है, नेक्स्ट आपका डेटा कितना है? 86, ठीक है। तो 86 आपका डेटा जा रहा है ऊपर, 80, और फिर ये 85 और 86। तो अब आप यहीं से बस ऐसे लाइन खींच दीजिए इतनी सी, और ये इधर से आप ले आइए, तो ये आपका हो गया 86। इसके बाद आपका है 74, तो ये 70 हो गया, ये 75 के नीचे आएगा 74। तो आप इधर वाली लाइन लेकर आइए। हिस्टोग्राम में आपका एकदम बिना गैप के बार ग्राफ होते हैं, इनमें बार ग्राफ में बीच में गैप नहीं होगा। फिर है 62, ये 50 है, ये 60, 61, 62, ये वाली लाइन आएगी, ठीक। इसी तरीके से ये यहाँ से ऐसा बन जाएगा, ये आपका 62 आ गया। फिर है 48, तो ये 40 हो गया, 45, फिर 48,
यहाँ तक आएगा। ये आपका 48 आ गया। इस तरह से हिस्टोग्राम बनेगा। एक्स एक्सिस पे आपने जो बनाया यहाँ लिख दीजिए लाइफ टाइम, यहाँ पर आप लिख दीजिए नंबर ऑफ लैम्प्स, यहाँ लिख दीजिए एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 300 आवर्स, फिर वाई एक्सिस, यहाँ पे आपके नंबर ऑफ लैम्प्स हैं तो 10, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 लैम्प्स। इस तरीके से हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं।